हेलो दोस्तों, हेम प्रांजु किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे की भरवा चटपटी सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और सभी को पसंद आएगी, जिसे भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर हमने लिया है टिंडा, उसे धुल लिया है। टिंडे हमने छोटे साइज के ही लिए हैं और धुल करके इसके दोनों साइड के किनारे को कट कर दिया है सारे टिंडे के। अब इसे हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है कुकर, इसमें इस टिंडे को डाल देंगे। फिर इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच के लगभग चीनी। चीनी इसलिए क्योंकि इससे कलर टिंडे का जो है बना रहेगा, कलर चेंज नहीं होता बॉईल करने पे। और आधा चम्मच नमक। अब हम इसे प्रेशर लगा करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं मसाले जो हमें टिंडे के अंदर भरने हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है मैगी मसाला, एक पैकेट है। रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और हल्का सा आमचूर पाउडर। हल्का सा ही लेना हमें, क्योंकि मैगी मसाला में भी थोड़ा खट्टापन रहता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो हमने मैगी मसाला लिया था उसमें हल्का सा नमक का भी टेस्ट रहता है। तो फिर यहाँ पर हम लेते हैं तड़के के लिए मसाले, जीरा, धनिया पाउडर, धनिया खड़ी धनिया है, और मस्टर्ड सीड है, लहसुन चॉप्ड किया हुआ, जिंजर क्रश किया हुआ, हींग कटा हुआ, प्याज चॉप्ड किया हुआ, और चॉप्ड किया हुआ टमाटर। ये मसाले हमारे तड़के के लिए हैं। तो इधर हमारा टिंडा भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो हम टिंडे में ऐसे चीरा लगा लेते हैं, दोनों साइड से कट कर लेंगे और इसे चीरा लगा लेंगे इसमें मसालों को भरने के लिए। तो जब तक हमारा टिंडा ठंडा होता है तब तक हम मसालों का तड़का लगा लेते हैं। तो इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया था, तो इसमें हम तड़के के लिए डालते हैं धनिया, जीरा और राई, हींग और लाल मिर्च। इसका हम तड़का लगाते हैं जब तक ये चटकता है। इसे चलाएंगे, इसमें ऐड करते हैं चॉप किया हुआ लहसुन और जिंजर। आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ऐड करते हैं चॉप किया हुआ अनियन, बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी अच्छे से चलाते हुए ब्राउन होने तक रोस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं धनिया पाउडर और हल्का सा हल्दी पाउडर। इसे भी अच्छे से चलाएंगे। प्याज लगभग हमारा भुन चुका है, प्याज लहसुन और जिंजर जो हमने डाला था। अब यहीं पर हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर और सब्जी मसाला। एक चम्मच के लगभग मैंने सब्जी मसाला डाला है, मुझे आइडिया है इसलिए मैंने चम्मच का इस्तेमाल नहीं किया था। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। अब यहीं पर हम ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी भी बना करके डाल सकते हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सबको अच्छे से मिलाते हुए पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक ना जाए। तो अब इधर हमारा टिंडा भी ठंडा हो गया था, तो हम सारे मसाले इसमें भर लेते हैं।
मसाले बहुत हल्के हल्के ही भरने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं। तो इधर हमारा टिंडा सारे मसालों के साथ भर के तैयार है। अब हम देखेंगे इधर हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो हमारा टमाटर जो है लगभग पकने की ही तरफ है, हमने पेस्ट नहीं डाला है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखिए ये टमाटर हमारा पूरी तरह से पक चुका है, तो यहीं पर हम ऐड करेंगे इसमें दही। दही कोशिश करिएगा ज़्यादा खट्टी ना हो, ताज़ी दही हो। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। दही डालने के बाद थोड़ा फास्टली चलाना पड़ता है, नहीं तो दही जो है वो फटने लगता है। तो इधर हमारा दही भी अच्छे से मिक्स हो गया, तो यहीं पर हम टिंडा ऐड करेंगे। अच्छे से मसालों के साथ भी टिंडे को चलाते हुए धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे। आराम से चलाना है, नहीं तो टिंडा जो है वो टूटने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बॉयल है। तो यहाँ पर हमारा टिंडा जो है लगभग मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, और मसालों का टेस्ट उसके अंदर अच्छे से चला गया है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा टिंडा देखने में, भरवा टिंडा। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर हमारा टिंडा जो है बहुत अच्छे से पक के मसालों के साथ तैयार हो चुका है। तो इसे हम गार्निशिंग कर देते हैं धनिया पत्ती से। तो तैयार है हमारा चटपटा झन्नाटेदार भरवा टिंडा, बहुत ही टेस्टी बना है। जिसे नहीं पसंद है उसे भी ज़रूर पसंद आएगा, आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।